A very warm welcome to all the students on the channel, and today we are going to study the second part of the chapter, the glimpses of the past. First part के अंदर आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया और किस तरीके से उन्होंने भारतीयों का शोषण किया. अब हम इससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. तो ये जो स्टोरी है राम मोहन रॉय के बारे में है, 1772 से लेकर 1833 तक जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट, उनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे. राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. खासकर जो बाल विवाह और जो विधवा विवाह जो चीज़ें थी, सती प्रथा थी, उसका विरोध किया. जो बाल विवाह था उसका विरोध किया और जो विधवा विवाह था उसको उन्होंने सपोर्ट किया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं. और राजा राम मोहन रॉय बंगाल के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे. तो वो समझ रहे थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है. तो अपने किसी फ्रेंड से बात करते हुए कह रहे हैं कि लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो उन्होंने कहा कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया के अंदर सबसे महान है. अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, हमें अपनी सोसाइटी को इसको सुधार लेकर के आना है और जो सुपरस्टिशंस हैं उनसे हमें छुटकारा पाना है क्योंकि ये सुपरस्टिशंस हमें बर्बाद कर रहे हैं. अब वो अपनी जो वाइफ थी उमा उनसे बात करते हैं. अब वो गाय के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि गाय के डिफरेंट कलर्स हैं लेकिन जो कलर है उन गायों का जो दूध है वो सेम है. इसी तरीके से जो डिफरेंट टीचर्स हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन है लेकिन उनकी सोच का जो एसेंस है, उनका जो सार है वो एक समान है. तो राजा राम मोहन राय जो थे वो जो साइंस था और मॉडर्न नॉलेज थी, यानी कि आधुनिक ज्ञान और साइंस के प्रति उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था. तो वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि समंदर पार जा कर के इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रिटिशेज़ को क्या चीज़ पावरफुल बनाए हुए हैं. तो उसके बाद उन्होंने बताया कि We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to its subjects. तो वहाँ की जो जनता थी या वहाँ की जो पार्लियामेंट थी वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम आपको अपने रूलर के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन उसके बदले आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक शासक की अपने प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है. तो उन्होंने क्या किया कि ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप डैम इन 1823. उन्होंने एक न्यूज़पेपर का चलाया लेकिन जो शशंकित जो ब्रिटिशेज थे उन्होंने 1823 के अंदर उनको रोक दिया. अब फिफ्थ पार्ट आ जाती है ऑपरेशन. 1765 से 1835 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीयों का दमन, यानी कि ऑपरेशन या उनको दमित करना जारी रखा और 1818 के अंदर उन्होंने रेगुलेशन एक्ट 3 पास किया और इसके अंडर ये कहा गया कि इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कि किसी भी भारतीय को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, यानी कि कोर्ट में बिना पेश के जेल में डाला जा सकता है. जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर मुस्कुराते हुए चेहरे ब्रिटिशेज़ के, तो ये है कि ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. अब जो ब्रिटिशेज थे यहाँ वो अच्छी खासी मोटी तनख्वाह ले रहे थे और उन्होंने प्राइवेट बिजनेस में पैसा लगा करके अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया. अब देखिए ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बड़ा सा पैलेस है, इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. तो ये क्या चीज़ है. 1839 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. 1829 के अंदर जो ब्रिटिशेज हैं वो लगभग 7 करोड़ की वैल्यू का जो सामान था वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे, 7 करोड़ की वैल्यू का. अब जो गवर्नर जनरल बेंटिंक थे उन्होंने
रिपोर्ट किया, मतलब इंग्लैंड रिपोर्ट किया। अब देखिए ये बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट किया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे, उन्होंने इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया कि कॉटन वीवर्स की जो बोन है, जो उनकी हड्डियाँ हैं, भारत के जो खेत हैं उनको ब्लीच कर रही है। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। भारत के अंदर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो लूट मचा रखी थी, उस लूट पर उन्होंने फलना फूलना शुरू कर दिया, और जो भारतीय जो उद्योग था उसने धीरे धीरे मरना शुरू कर दिया। 1835-56 डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतुष्टि। एडुकेशन इंडिया वॉज इन पर्जियन एंड संस्कृत। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। यानी कि भारत के अंदर जो शिक्षा का माध्यम था वो फारसी और संस्कृत हुआ करता था, लेकिन 1835 के अंदर एक अंग्रेज़ व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले, और इसी व्यक्ति ने इस परिवर्तन का सुझाव दिया, यानी कि एजुकेशन में बदलाव का सुझाव दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जो नेटिव्स हैं, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमें उन्हें अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अब जिसको ये सजेशन दे रहे हैं, ही इज़ द गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक। इन्होंने कहा कि आई अग्री। अब जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था, उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को क्लर्क के रूप में तब्दील किया जा सके, ताकि उनको राज करने में आसानी हो। और इंसिडेंटली क्या हुआ अचानक से, कि इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जैसे जैसे दी जाने लगी, तो इस अंग्रेजी शिक्षा का एक फ़ायदा जो भारतीयों को हुआ वो ये हुआ कि एक जो नई जनरेशन थी इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की, वो पैदा हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने जो भाई हैं, यानी कि जो दूसरे हमारे इंडियन इंडियंस हैं, दो भाई हैं, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। और दूसरे कह रहे हैं कि एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, उसको हमें सुधारना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और थर्ड जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स। यानी कि जो ग्रीवेंसेस, शिकायत जो हैं, हमें इसके लिए, यानी कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो शिकायतें हैं, हमें उसकी कंप्लेन ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैप के अंदर जो रेड पार्ट है वो ब्रिटिश एरिया है, और जो येलो पार्ट है दैट इज़ द इंडियन स्टेट्स। ऊपर सेकंड वीडियो के अंदर, सॉरी फर्स्ट वीडियो के अंदर जब चैप्टर हमने शुरू किया था, तो वहाँ भारत का नक्शा डिस्प्ले किया गया था उस समय का, जिसके अंदर मोस्ट जो पार्ट था वो येलो कलर से था, और जो स्मॉल पार्ट था वो रेड कलर से था। तो यानी कि अंग्रेज़ जब भारत के अंदर आए थे, तो एक छोटे से हिस्से पर ही अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ में अधिकतर भागों पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। सो 1856 तक जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लगभग पूरे इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया था। अब देखिए पंडित वगैरह ये लोग बैठे हुए हैं, गांव गांव के लोग हैं, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, लेकिन उन्होंने भारतीयों की ज़रूरतों का बहुत कम ध्यान दिया। तो कोई कह रहा है कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजे महाराजे हैं वो केवल इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं, और हमारे जो पुराने काम थे वो हमारे हाथ से निकल रहे हैं। और कोई कहता है कि हमारे जो लैंड्स थे वो भी, दूसरा कह रहा है कि वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और किसी ने कहा कि आप केवल बात करते हैं, हमें उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। अब 1857 की जो मेन क्रांति है, अब उसका वक्त आ चुका था। स्पार्क, चिंगारी सुलग जाती है, योजना तैयार हो जाती है, और जो भारत की जनता है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आगजनी हो रही है, लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों को मार रहे हैं। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स इन बंगाल। द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट।
इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैसेकड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। अब क्या होता है कि जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उन किसानों पर टैक्स लगातार बढ़ता रहा, जिस टैक्स की वजह से, मतलब उस टैक्स की वजह से ये जो पेजेंट्स थे, किसान थे, ये बर्बाद हो गए। बंगाल के अंदर क्या हुआ, संथल जो प्रजाति थी, संथल जो जाति थी, उस संथल जाति जहाँ उनके लैंड थे, उनकी खेती बाड़ी थी, वो खेती बाड़ी नया लैंड रूल आने के बाद, नया भूमि कानून आने के बाद, उनके जो लैंड थे उनसे छीन लिए गए, जिसकी वजह से बड़े निराश हो गए। और इसके जवाब में 1855 के अंदर उन्होंने बगावत कर दी, और जो यूरोपियंस थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उन सबको उन्होंने मैसेकर कर दिया, यानी कि उनको मार डाला। उसके बाद क्या होता है, डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, यानी कि ये जो असंतुष्टि का भाव है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी पैदा हो रहा था। कोई कह रहा है कि द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, कहता है कि उनको बड़ी सैलरी मिल रही है, हवेलियों में रह रहे हैं, नौकर चाकर मिल रहे हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें केवल नाम मात्र का पिटेंस यानी कि भत्ते के रूप में सैलरी मिल रही है और प्रमोशंस तो हमें मिलते ही नहीं है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, तो कोई कह रहा है कि उन अंग्रेजों ने हमें जो समंदर पार, यानी कि उस समय माना जाता था पॉपुलर बिलीफ के जो समंदर के पार जाएगा उसकी जाति चली जाएगी, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो कहता है कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये टोपी वाले कौन हैं जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको हमसे छीन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कहता है कि हमें इन अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए। तो सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, यानी कि उसके पास की जो रेजिमेंट थी वहाँ उसने हमला कर दिया और बदले में फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोईज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ द यूनिफॉर्म्स, हजारों सिपाहियों ने बगावत कर दी और फिर उनसे उनका जो उनकी वर्दी थी, उन वर्दी उनसे छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको बेइज्जत किया गया और उनको जंजीरों में जकड़ लिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, बहुत कम ऐसे अंग्रेज लोग थे जो भारतीयों के परंपराओं को, भारतीयों के जो विचार थे उनको समझते थे। कोई कह रहा है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स, कि अरे ब्राह्मण क्या तुम्हें पता है कि बुलेट के जो ग्रीस होती है वो सूअर और गाय की चर्बी से बनी होती है जिसको तुम दांतों से खींचते हो। अब ये जो ब्राह्मण और मुसलमान है ये इस बात पर शॉक्ड हो गए। ब्राह्मण ने कहा क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, इन गोरे लोगों ने तो हमें भी धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज, चपाती को सिंबल बनाया गया और गांव-गांव इसको भेजा गया ये मैसेज देने के लिए कि आपका जो बादशाह है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको आपके साथ की ज़रूरत है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे जो गाँव के सारे लोग हैं वो तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, तो देखिए दो चीज़ें भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम था 1857 का, दो चीज़ें सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल की गई, कमल का फूल और रोटी। रोटी के बारे में आप इसमें पढ़ चुके हैं, और जो कमल का फूल है वो इंडियन सोल्जर्स में बांटा गया। अब ये कह रहे हैं कि डेथ टू द फॉरनर्स, जो विदेशी लोग हैं वो मारे जाएँ। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो जन लोग थे, यानी कि जो लोग थे, आम जन जो था, उसने जितने पैट्रियट्स थे, जितने जो देशभक्त थे, उनको शेल्टर दिया और उनकी हेल्प की। एंड फाइनली द रिवोल्ट 1857, देन देर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में एक भयानक आउटब्रेक हुआ, और उसके बाद क्या होता है, जो सिपोए दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया। अब बहादुर शाह जफर बैठे हुए हैं तो लोग कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर, यानी कि जो हमारा बादशाह है, बादशाह की उम्र लंबी हो। फिर उसके बाद
रेबेलियन बहुत बड़े स्तर पर फैल गई, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपना लैंड उनसे छीन लिए गए, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो उनको नुकसान पहुंचा रही थी। अब ये सोच रहे हैं कि ब्रिटिश जो वाइट मैन का रूल है वो ख़त्म होना चाहिए, और वो कहते हैं कि यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब 1857 फ्रीडम ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम। अब जो बहुत सारे जो फॉर्मर रूलर्स थे जैसे कि बेगम हज़रत महल लखनऊ, ये भी चिढ़ी हुई थी इस बात से। अब वो भी कह रही हैं कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने मेरा राज्य हड़प लिया। जो पॉपुलर लीडर थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, लोगों को बता रहे हैं राइज ब्रदर्स राइज, अंग्रेज़ इज़ विनिंग आवर लैंड, भाइयों उठो जागो, अंग्रेज़ हमारे जो लैंड है हमारी मातृभूमि उसको नष्ट कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, फॉरनर्स के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ जो आंदोलन चला हुआ था वो सब उसमें शामिल हो गए। पीपल जो लोग थे हर जगह से उसमें शामिल हुए, बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से। अब जो अजीमुल्ला खान है उन्होंने तात्या टोपे को बताया कि जो पेशवा नाना साहब और जो लीडर हैं वो इस वॉर में हमारे साथ हैं, हमारे लीडर के तौर पर काम करेंगे। जो पेट्रियट्स हैं पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो हमारे पेट्रियट्स थे उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ वो उन्होंने बैटल तैयार की, और जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पूरे इसको फैला दिया। अब आप देखते हैं कि जो 80 साल के जो बूढ़े कुंवर सिंह थे बिहार के, उनके रिस्ट में यानी कि बाजू में एक गोली लगी, और उन्होंने कह रहे हैं कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपको। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द एंड ऑफ द चैप्टर द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।